चीज बताए थे किस तरीके से कान खुश होना चाहिए और किस तरीके से कान खुश करना चाहिए। तो आप केटीआर ने एक ट्वीट किया है कि हम हैदराबाद एमपी को ग्राइंड नहीं लेंगे और उन्होंने सारे इंडिया में हमारा मॉडल बताकर जो है लोगों से वोट वसूल किया है। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूंगा, अगर पिछले 9 साल से खामोशी अख्तियार करने वाली टीआरएस और एआईएमआईएम आज जाती हुई नजर क्यों आ रही है, और तेलंगाना के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज एक तरीके से गिफ्ट किया गया और गिफ्ट लिया गया। अगर ये अस्सलाम वालेकुम, हाय दोस्तों, मैं रियल नेम मसीन एक बार फिर आप सबके सामने आया हूँ। जिस तरीके से आज सारे लीडर्स तेलंगाना में जमा होकर तेलंगाना के लीडर तेलंगाना के आवाम के लिए बात कर रहे हैं, इससे नजर आ रहा है कि इलेक्शन बहुत करीब है या हो सकता है बहुत जल्द इलेक्शन आने वाला है। जिस तरीके से बीआरएस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट मिस्टर केसीआर और उनके पर्सन केटीआर ने एक ट्वीट किया है कि हम हैदराबाद एमपी को ग्राइंड नहीं लेंगे और उन्होंने सारे इंडिया में हमारा मॉडल बताकर जो है लोगों से वोट वसूल किया है, और हैदराबाद एमपी आदिलाबाद में जो है ना बीआरएस के अगेंस्ट में 9 साल बाद जाकर ये कहे हैं कि मस्जिदों को शहीद किया गया और मेरे हाथ में स्टेयरिंग रहने के बावजूद जो है ना ओल्ड सिटी में ये सारे डेवलपमेंट्स नहीं आने के, ये सारी बातें अभी मुकम्मल तरीके से सामने आ रहे हैं। इससे दिख रहा है कि आने वाले वक्त में इलेक्शन बहुत जल्द है। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूंगा, अगर पिछले 9 साल से खामोशी अख्तियार करने वाली टीआरएस और एआईएमआईएम आज जाती हुई नजर क्यों आ रही है, पर सबको ये बताया कि हैदराबाद की आवाम भी सियासत में बहुत नॉलेज रखती है। हैदराबाद की आवाम को भी बता है कि सियासतदान कब कौन से टाइम पे किसके कानों को खुश करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक एमएलए है जो बहुत अच्छी तरीके से हैदराबाद की आवाम को और हैदराबाद की सारे लोगों को, तेलंगाना के लोगों को एक चीज बताए थे किस तरीके से कान खुश होना चाहिए और किस तरीके से कान खुश करना चाहिए। तो आप तेलंगाना में होने वाली जो इलेक्शन है या होने वाला जो इलेक्शन है, ये सिर्फ कान खुश करने से नहीं होंगे शायद, ये 9 साल पहले जो किए हुए वादे, 9 साल से मुकम्मल जो झूठे वादे किए गए थे, 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए, घर टूटने के बाद 2-2 लाख रुपए, जो लोग मुतासिर हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपए, 10-10 हजार रुपए का वादा कर जो है एंड काउंसलर इलेक्शन जीएचएमसी इलेक्शन के टाइम पे बुला के लाइन में ठहरा के बांटा गया, जिसके अंदर आपके लीडरों ने कई गाला बनाया था और उसके अंदर कई तरीके से उन लोगों ने उसका फायदा उठाया, और वोटर्स को पैसे देना और वोट नहीं करने वाले या फिर जो अपने पार्टी के लोग हैं उन तक पैसे पहुंचाया गया, ये आपको सब याद है। आज तक ना वो 5 लाख मिले, ना मुतासिर हुए लोगों की कोई मदद हुई, ना नौजवानों को नौकरी मिली, और तेलंगाना के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज एक तरीके से गिफ्ट किया गया और गिफ्ट लिया गया। अगर ये सारी चीजें हैं, अगर इतने इख्तलाफात हैं, आप वाकई में सच तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम के लिए लड़ना चाह रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड की जायदादों के जो सौदे हुए जो गिफ्ट के तौर पर आपको मिली है वो वापिस कर दीजिए, और तेलंगाना की आवाम को ये बता दीजिए कि हम वक्फ बोर्ड के स्कैम में नहीं है, और वक्फ बोर्ड के स्कैम के तहत जितने एंडोरमेंट स्कैम के तहत जो मसानगटियों को जो है बर्बाद किया गया, जो मंदिरों को बर्बाद किया गया, जो मंदिरों की जगहों पर कब्जा करने की कोशिश की गई, वो सारे चीज अपने सामने लाइए, लाकर बोलिए, इन पर इंक्वायरी बिठाइए, और हमको जो एक गिफ्ट के तौर पर मिली हम वापस कर रहे हैं तेलंगाना गवर्नमेंट को। डिजिटलाइजेशन बनाने का वादा कर जो वक्फ बोर्ड को सीज किया गया वो उसके आप खिलाफ थे, बगैर आपके अलायंस होते हुए, बगैर आपके इल्म में तेलंगाना में कोई भी काम नहीं हुआ है, सारे काम आपके इल्म में रखते हुए, और आपकी खामोशी जो है तेलंगाना की आवाम आज तक देखी है, वो चाहे केटीआर रहने दो या फिर कोई और रहने दो। तो ये सारे पार्टीज को चाहिए कि हैदराबाद की जनता को, तेलंगाना की जनता को अभी उस तरीके का बेवकूफ बनाना और अल्फाजों से जो है ना वोट हासिल करने के तरीके जो ट्रिक है वो बीत चुकी है, उस पर आजमाए नहीं बल्कि ग्राउंड में उतरिए, और जो सारे इंडिया लेवल में प्रमोशन बीआरएस के नाम पे जो है ना सारे इंडिया में मुकाम बनाना चाह रहे थे वापिस आकर आज यूएस, कनाडा, लंदन छोड़कर तेलंगाना में मौजूदगी बता रही है कि अब इनको पता चला है कि इलेक्शन आने वाला है, मौजूदगी अब हमको जो है आवाम में देना बहुत जरूरी है, और ये आवाम के दरमियान नजर आ रहे हैं। तो इतने साल से आप कहां पर थे, और आपकी अभी पॉलिटिकल कैरियर जो आप इंडिया को डेवलप करने में लगाए हुए थे वो तेलंगाना में कहां कहां पर डेवलपमेंट हुआ है, और आपने कितने लोगों की मदद की है, वो सारी चीजें हिसाब देना चाहिए। अब अल्फाजों की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम।